हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। आज हम बात करेंगे सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स को लेकर अक्सर हमारे मन में कन्फ्यूज़न बनी रहती है। होटल में खाना खाने के बाद अगर आप अपना बिल देखें तो आपको पता चलेगा सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स दोनों वसूले गए हैं। अगर आपको ये दोनों एक ही लगते हैं तो आप ये जान लीजिए कि ये दोनों एक ही नहीं होते। खाने के बिल पर सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स क्यों लगाया जाता है, इसका कन्फ्यूज़न अक्सर ग्राहकों में बना रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स के डिफरेंस के बारे में। तो शुरू से आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि सर्विस चार्ज क्या होता है। सर्विस चार्ज होटल और रेस्टोरेंट के द्वारा ग्राहकों को अपनी सेवा दी गई है उसके लिए वसूला जाता है। ये टैक्स नहीं होता और सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, बल्कि होटल और रेस्तरां द्वारा खुद ही लगाया जाता है। सर्विस चार्ज के लिए गवर्नमेंट द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। ये किसी भी होटल और रेस्टोरेंट द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे आपको उनकी सर्विस पसंद आए या ना आए। अभी होटल और रेस्टोरेंट वाले ग्राहकों के बिल में सर्विस टैक्स और वैट के अलावा 5 से 20% तक सर्विस चार्ज भी जोड़ते हैं। सर्विस चार्ज एक टिप की तरह होता है और सर्विस चार्ज देने के लिए आपको अलग से टिप देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाल ही में कुछ लोगों द्वारा उपभोक्ता अदालत में इस मनमाने सर्विस चार्ज के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय यानी कि कंज्यूमर अफेयर्स अथॉरिटी ने साफ साफ कहा कि अगर आपको होटल या रेस्टोरेंट की सर्विस पसंद नहीं आए तो ज़रूरी नहीं है कि आप सर्विस चार्ज दें, क्योंकि ग्राहकों द्वारा सर्विस चार्ज चुकाना उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है और इसे चुकाना कस्टमर के लिए ज़रूरी नहीं होता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के मुताबिक अगर किसी उपभोक्ता को गलत तरीके से या फिर जबरन सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में कर सकता है। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा कि हर राज्य के होटल और रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज के बारे में दीवारों पर बोर्ड लगाकर जानकारी देनी होगी। जिन होटलों या रेस्टोरेंटों में सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है वहां पर सर्विस चार्ज देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उपभोक्ता वहां खुद ही काम कर रहा होता है तो सर्विस चार्ज किस लिए देगा। अगर उपभोक्ता किसी होटल या रेस्टोरेंट की शिकायत करना चाहता है तो उसे भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर pgportal.gov.in पर जाकर शिकायत टाइप करनी होगी। वहां से ये शिकायत आपके रिलेटेड स्टेट में भेज दी जाती है। यहां पर शिकायत करने से आपकी समस्या का समाधान उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं सर्विस टैक्स के बारे में। सर्विस टैक्स सर्विस चार्ज से अलग होता है। सर्विस टैक्स को भारत सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जैसे इन्हें कोचिंग सेंटर, मोबाइल बिल, फिल्म टिकट इत्यादि पर। इस टैक्स का भुगतान ना करना गैरकानूनी होता है। सर्विस टैक्स की दर इस समय 15% है और आपके कुल बिल के 40% पर आपको देना होता है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें भी शामिल होती हैं। ये केवल उन होटल में लिया जाता है जो कि वातानुकूलित होती हैं। आपके टोटल बिल का 6% तक आपसे वसूला जा सकता है। सर्विस टैक्स के जरिए भारत सरकार को आज की डेट में सबसे ज़्यादा इनकम होती है। अभी हमने बात की सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज के बारे में, अब समझ लेते हैं वैट के बारे में। ये एक तरह का बिक्री कर होता है। वैट केवल उन्हीं खाने पीने की वस्तुओं पर लगाया जाता है जो कि रेस्तरों या फिर होटल में तैयार की जाती हैं, क्योंकि वे वहां खाना बनाते समय इसमें कुछ वैल्यू जोड़ते हैं। इसलिए आप बिल की पेमेंट करते वक्त ये ज़रूर देखें कि कहीं होटल या फिर रेस्तरों के मालिक ने आपसे पैकेज फूड आइटम या फिर पानी की बोतलों पर वैट ना वसूला हो। वैट की दर पेय पदार्थों पर खाने की वस्तुओं की तुलना में अलग होती हैं और इसे केवल टोटल बिल पर लगाया जाता है। और भारत में वैट की दर हर स्टेट में अलग अलग है, जो कि इस समय 5 से 20% तक है। इसलिए आपका बिल इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपने किस स्टेट में खाना खाया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।